नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा यह करंट अफेयर्स का सीरीज जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, न केवल 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बल्कि बिहार बेस्ड जितने भी एग्जामिनेशन है लाइक एसआई, दरोगा या अपकमिंग टीचर एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। चूंकि जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का कवरेज एरिया है, उसमें ऐसे सारे डायमेंशन को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के डेट क्लोज आ रहे हैं, जैसे जैसे डेट क्लोज आता है आपका प्रेशर बढ़ रहा होता है ना। और आज के न्यूज में भी कुछ एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आया है। आज मैं इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहूंगा, और वह इंफॉर्मेशन कैसे आपको मोटिवेट करेगा या डिमोटिवेट करेगा, इस पर थोड़ा सा मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा आपसे, उस पर मैं डिस्कस करूंगा, और देन फिर हम लोग इस रेगुलर सीरीज में जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं आज का क्या है न्यूज। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसी का यह मैंने स्लाइड बनवा दिया है, ट्रांसलेट भी करवा दिया है, इंग्लिश में भी चीजें समझ आए आपको। 69 बीपीएससी में 2.7 लाख जो है वह एप्लीकेशंस आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आए हैं, 2.67 लाख, जो कि प्रीवियस बीपीएससी के कंपेयर में हाफ से भी कम है, आधे से भी कम है। तो इंपॉर्टेंट है यह, क्या समझने वाली चीज है आपको इसमें। इसमें आप देखेंगे 2.67 लाख जो फॉर्म आए हैं, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चों ने अप्लाई किया है। सीटें कितनी है, 442 अभी तक जो अनाउंस हुआ है, हो सकता है एग्जाम तक या 500 तक हमारा चला जाए, 500 के आसपास सीटें हो। और इंपॉर्टेंट है 500 सीट के लिए जो है टोटल कितना है, 2.67 लाख अभी का डेटा अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट पर, एक सीट पर 604 स्टूडेंट्स फाइट करेगा। देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन एक्चुअल में यह नहीं है। कैसे नहीं है, आइए थोड़ा मैं इस पे चर्चा करूंगा, इस पे डिस्कस करूंगा। एक सीट पे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन 604 स्टूडेंट का रेशियो आ रहा है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा रियल एस्पायरेंट्स जो है इसमें मात्र 10-20% होते हैं, 10-20% टोटल एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, टोटल एप्लीकेशन का मात्र 20% जो है आपके रियल एस्पायरेंट्स है, लाइक 50,000-50,000 स्टूडेंट्स ही आपके क्या है वह रियल एस्पायरेंट है जो आपको एक्चुअल में फाइट देता है। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो देखते हो बहुत सारी सीटें खाली होती है, तो बहुत सारी सीटें खाली होती मीन्स अपीयरिंग कितने कैंडिडेट हुए हैं। अपीयरिंग भी देखेंगे आप 40% जो होते हैं वह एबसेंट होते हैं, नॉर्मल डेटा है, या 40% बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं। तो देख लीजिए 2.67 लाख का लैक्स का 40% कितना होता है, मान लीजिए 30% ही, 20% ही, तो इतने बच्चे यहां से निकल गए, बचा कितना, लगभग 2 लाख बच्चा। 2 लाख बच्चे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे जस्ट फॉर वॉच किस तरह से एग्जाम होती है, एक्सपीरियंस के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस, आधे अधूरे तैयारी से, या फिर एक बार ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट बार हम अच्छे से देंगे, ऐसे नंबर्स अधिक आपको देखने को मिलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि हम लोग जब ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं, जब टेस्ट चल रही होती है, तो फर्स्ट टेस्ट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट में स्कोर खराब होता है वैसे नंबर्स क्या होते हैं, घटते जाते हैं, और लास्ट टेस्ट तक बच्चे जो 10-20% स्टूडेंट्स ही लास्ट टेस्ट को अपीयर करते हैं, एक्चुअल में रियल फाइटर वही होता है 10-20%, यही मैंने डेटा दिया। जो 50,000 बच्चे होंगे वही आपके एस्पायरेंट्स हैं, वही रियल फाइटर्स हैं, और 50,000 में 442 सीट है, और 50,000 में लगभग 10,000 के आसपास या 7-8,000 के आसपास रिजल्ट आएगा, सपोज दैट मान लीजिए, तो 50,000 में 10,000 में नहीं आ सकते आप, अगर आपने तैयारी की है तो बहुत आसान है। अब तैयारी की है तो इस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा मैं इस पे भी डिस्कस करता हूं। इस मोमेंट में आप एकदम कॉन्साइज वे में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिफाइन कीजिए, चीजों को डिफाइन कीजिए, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एकेडमी में है, कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एकेडमी में आता है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक एकेडमी में आता है, फिर उसके साथ क्लाउड्स देखेंगे, क्लाउड्स इधर रेगुलर क्वेश्चन वहां से नहीं आ रहे तो उसको पढ़ना है, लेकिन उसको लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना है। तो इस तरह से चीजों को क्या करना, आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिजाइन करना होगा हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को, और जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसके ऊपर अच्छे से काम करनी होगी, जिसमें आपका शॉर्ट नोट्स, जो बार बार मैं बोलता हूं, जो क्लास में आपने पढ़ा है उस क्लास का रिव्यू बेस्ड नोट्स जो है, ज्योग्राफी का नोट्स 10 पेज में, इकोनॉमिक्स का नोट्स 6 पेज में, उसी तरह से हिस्ट्री का नोट्स 10 पेज में, मींस रिव्यू टॉपिक रिव्यू बेस्ड नोट्स होंगे वह काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, और
इससे घबराने की जरूरत, इस नंबर से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं, अपना बेस्ट दिए हैं, ध्यान रखना दोस्तों, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहां से बोल रहा हूं, ओपन प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, ठीक है। किसी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं होता है जो आपके सराउंडिंग घुमा दिया जाए और रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट होता है केवल और केवल आपके मेहनत से, क्योंकि हर एक कोचिंग चाहता है हमारे यहां से अधिक रिजल्ट हो, लेकिन उसके बाद भी सबका रिजल्ट नहीं होता है। कोई कोचिंग नहीं चाहता है जो इसका रिजल्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता इसका हो इसका नहीं हो, उसमें भी रेशियो कम होते हैं। उसी क्लासरूम में पढ़ने वाले सभी बच्चे में कुछ बच्चों का रिजल्ट होता है, यह इंडिकेट कर रहा है जो फाइनल सिलेक्शन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ स्टडीज, आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। तो और यह बेस्ट टाइम है सेल्फ स्टडी का। प्रीलिम्स की तैयारी हमेशा लंबे समय में नहीं होती है, लास्ट का 2 से 3 मंथ्स, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी 3 मंथ्स के लिए होती है, 3 मंथ्स में होती है, लास्ट का 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक उसी तरह से जब यूपीएससी के लिए हो सकता है तो बीपीएससी के लिए क्यों नहीं। बीपीएससी में भी यह लास्ट का जो मंथ है, लास्ट का जो टाइम पीरियड है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे यूज करेंगे, कितने साइंटिफिक तरीके से, कितना प्लान्ड वे में, कितना ऑर्गेनाइज वे में यूज करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक इस इंफॉर्मेशन के साथ, और हम लोग देखते हैं आज का हमारा पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की सीरीज में क्या यूनिक है और क्या स्पेशल है आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपके लिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन में भी डिस्कस करते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट होगा कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जनरली इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, रेगुलर नहीं होता है लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं। फरवरी का आज हमारा लास्ट है, फरवरी वाले क्वेश्चन का जो मैंने देखा है करंट अफेयर्स, मैंने हम लोग फरवरी का पिछले लास्ट 4-5 वीडियो में आप देखेंगे फरवरी के ही कलेक्शंस हैं। फरवरी में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो होगा वो हमारा स्पेशल सेगमेंट में होगा, उसको हम लोग मंथ में कैटेगराइज नहीं करेंगे। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के बजट और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट का एक अलग सीरीज ही स्टार्ट होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है, इस वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार कौन सा संस्करण मनाया गया है। तो देखिए इसका आंसर है, द इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी 1 एवरी ईयर, दिस ईयर इंडिया इज सेलिब्रेटिंग व्हिच एडिशन ऑफ कोस्ट गार्ड। तो राइट आंसर इज सी, 47th मां यह सेलिब्रेशन था, कौन सा सेलिब्रेशन था, 47वां सेलिब्रेशन है यह। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस समुद्री सुरक्षा की देखभाल करने वाले संगठनों को सम्मानित करने के लिए, जो कोस्टल एरिया में कोस्ट गार्ड होते हैं, नेवी होते हैं, तो उसको सम्मानित करने के लिए डे सेलिब्रेट होता है, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत का कौन सा था, यह 47वां तटरक्षक दिवस मनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है यह, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की कैटेगरी में हम इसको नहीं रख सकते हैं, हाँ इसको जानना चाहिए क्योंकि हम लोग फरवरी के न्यूज को कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक हमारा न्यूज यह भी इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं इसके साथ हमारा दूसरा न्यूज कौन सा है, सेकेंड न्यूज, दूसरा न्यूज आप देखेंगे, भारत के लिए मॉर्गन स्टैनली का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू हेड ऑफ द मॉर्गन स्टैनली फॉर इंडिया। ऑप्शंस आर कृष्ण शंकर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार, अरुण कोहली और विनेश कुमार। तो राइट आंसर इज सी, क्या है, राइट आंसर इज सी, अरुण कोहली को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन स्टैनली है क्या, यह भी आपको जानना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसका हेड किसको बनाया गया है, अरुण कोहली को बनाया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है। अरुण कोहली उन्होंने संजय शाह का स्थान लिया, इससे पहले कौन थे, संजय शाह थे, जिसके स्थान पर मॉर्गन स्टैनली ने किसको नियुक्त किया है, अरुण कोहली को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरुण कोहली पर्सनैलिटी वाले एरिया से भी हमारे एक क्वेश्चन होते हैं, फेमस पर्सनैलिटी, तो अरुण कोहली एक व्यक्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है हमारा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ ए न्यू बुक टाइटल्ड द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर है मेघनाथ देसाई। ये अभी तक के न्यूज के आज का यह 3 न्यूज हमारा कलेक्शन है, 3 न्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई कैटेगरी के न्यूज हमारे यह है।
क्योंकि एक हमारे बुक से क्वेश्चन होते हैं, दूसरा इसमें यह कहा गया है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ने पुअर पीपल को इग्नोर किया है, इस तरह की चीज। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो रिसोर्स के असमान वितरण को लेकर के, जो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको लेकर के डिस्कस किया गया है, और यह बताया गया है जो यह न्यू इकोनॉमिकल एज है जिसमें गरीबों के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, गरीब पुअर ओरिएंटेड इकोनॉमिकल एज नहीं है, इस तरह की चीजें भी सोशलिज्म इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह तो याद रखिएगा आज के न्यूज में पहला VVI न्यूज दिस इज, ठीक है। आइए इसमें और क्या एक्सप्लेनेशन हमने डाल रखा है, एम देसाई की एक नई किताब द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का विमोचन हुआ, अर्थव्यवस्था कैसे अर्थशास्त्र ने गरीबों को त्याग दिया, गरीबों को त्याग दिया मीन्स गरीबों के लिए वह बहुत फेवरेबल नहीं रहा है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि 18वीं शताब्दी के अंत से विकसित होने के बाद से अर्थशास्त्र का अनुशासन कैसे व्यवस्थित रूप से गरीबों के हित की परिधि पर रखता है। तो इंपॉर्टेंट है, जो गरीबों के लिए था है लेकिन गरीबों के लिए बहुत कल्याणकारी नहीं रहा है, ये दोनों ही चीजें इसमें लिखी हुई है किताब में, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करते हैं, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, अंडर द फेम स्कीम व्हिच स्टेट टैप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स बाइंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कौन सा टॉप स्टेट है किसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेस करने में, तो इसका सही आंसर आता है महाराष्ट्र, इसका सही उत्तर क्या है महाराष्ट्र। ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और यह जियो कार्बन के टारगेट को भी अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो यह इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह न्यूज हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज को भी हम लोग VVI न्यूज की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन में और देखते हैं क्या है, फेम 2 सब्सिडी का लाभ उठाने वाले सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री महाराष्ट्र शीर्ष पर है, टॉप पे कौन है महाराष्ट्र है और उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान का स्थान है, ठीक है। सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ स्थान पे कौन है राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट, किस तकनीकी प्रमुख ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप एंथ्रोपिक AI में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी मेजर हैज इन्वेस्टेड नियरली $400 मिलियन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका सही आंसर है ऑब्वियस ही बात है कौन होगा तो गूगल होगा, गूगल लार्जेस्ट सर्च इंजन है और गूगल ने ही यह किया है, और ऑब्वियस ही बात है ध्यान रखिएगा गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए हैं, गूगल का यह मानना है आने वाले दिनों में जो एज होगा वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एज होगा, सारे जो एक्टिविटीज है जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, मे बी यह क्लास हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कोई रोबोट आपको क्लास ले रहा हो, आपको पढ़ा रहा हो, आप पढ़ रहे हो, तो गूगल इन सब चीजों पे काम करता है, गूगल हमेशा जो न्यू आइडियाज हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है उन सब चीजों को देखता है। जैसे गूगल का एक छोटा सा मैं इंसिडेंट और कहानी सुनाना चाहूंगा, गूगल के हेडक्वार्टर में अमेरिका में एक स्कल्टन लगा हुआ है डायनासोर का, पता है यह क्यों लगा हुआ है, यह लगा हुआ है जो डायनासोर कभी हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा एनिमल हुआ करता था, सबसे बड़ा जानवर हुआ करता था, लेकिन अभी वह एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, चीजों को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिस कारण से वह एक्सटिंक्ट हो गया इतना बड़ा होने के बावजूद। उसी तरह से गूगल का मैसेज है, जो हम लोग बड़ा सर्च इंजन है, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लोग भी क्या हो, डिसअपीयर हो जाए। यह मैसेज देने के लिए अपने इंप्लॉई को उसने गूगल का एक बड़ा सा स्कल्टन बना करके, आर्टिफिशियल स्कल्टन बना करके क्या क्या लगा रखा है अपने हेडक्वार्टर में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की दिशा में गूगल जो है बड़े बड़े इनोवेटिव काम किया, उसी में से एक स्टार्टअप यह भी है। चलिए इसमें देखते हैं और कुछ क्या एक्सप्लेनेशन है, आप इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे, गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, दोनों कंपनियों ने एक साझेदारी घोषणा की है, AI स्टार्टअप को गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग करते हुए देखेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था जो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, और चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर के तो यह इस न्यूज को भी हम लोग VVI न्यूज की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे ने किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरवी टूर शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह, इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूसेस गरवी टूर अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम
टू शोकेस हेरिटेज एंड विच इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर आता है हमारा गुजरात। किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात के द्वारा शुरू किया। अब गरबा से भी आप गरबी टूर, गरबा कहां का फेमस डांस है? गुजरात का है। तो गरबी टूर है तो ऑब्वियस ही बात है यह गुजरात का ही कुछ मामला होगा। यहां से आप इसको इंटरलिंक करते हुए नहीं पढ़े तो आंसर दे सकते हैं। चलिए, यह इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूज की कैटेगरी में हम लोग इसको नहीं रखेंगे क्योंकि यह गुजरात का मामला है। ठीक है, सेम टाइम अगर हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे तो हो सकता है वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन के किस कवि और संत की जयंती हर साल फरवरी में मनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच 15th सेंचुरी पोएट एंड सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इज ऑब्जर्व इन फरवरी एवरी ईयर। ऑप्शन आर गुरु रविदास, कबीरदास, बसावा, गुरु नानक। बट आवर राइट आंसर इज ए। 7 का सही आंसर कौन है? गुरु रविदास है। ये हमारे गुरु रविदास है। अब इनके बारे में हो सकता है चूंकि ये हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, इतिहास से संबंधित घटनाएं भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्या है ऐतिहासिक घटना, क्या है इनका कंसर्न, ऐतिहासिक कंसर्न, इसको अगर आप देखेंगे तो गुरु रविदास जयंती 15वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन का एक रहस्यवादी कवि संत गुरु रविदास के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कवि कबीरदास के समकालीन थे। किसके कंटेम्पररी थे? या कबीरदास के समकालीन थे और उन्होंने एक ईश्वरवादी आध्यात्मिकता और समानता और भारतीय जाति व्यवस्था से मुक्ति का संदेश दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने कास्टिज्म को ये किया था, कास्टिज्म को डिमोटिवेट किया था और कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे। इसलिए भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। उनकी शिक्षाओं का बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में व्यापक रूप से पालन किया जाता है। मींस हम इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे बिहार में भी है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आइए थोड़ा इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। गुरु रविदास जयंती इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ द गुरु रविदास ए मेस्टिक पोएट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। द पोएट वॉज ए कंटेम्पोररी ऑफ कबीरदास एंड ही टॉट monotheistic spirituality and message of equality and liberation from Indian caste system. His teaching are widely followed in state like Bihar, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Haryana and among others. Important thing is Bihar mein bhi isko follow kiya jata hai, isliye hamare liye kya hai, important. Chaliye question number 8 ki hum log move karte hain. Which Indian state union territory proposed the wetland ex situ conservation establishment? Bahut important hai ya. किस भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन है राजस्थान है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और गुजरात है। तो इसका सही आंसर आता है राजस्थान। अब यहां पे चीजों को समझिएगा, एक्स सीटू एक वर्ड यूज किया गया है तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण के दो मेथड होते हैं, एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू मेथड वह मेथड होता है अगर किसी जानवर को, किसी प्लांट को, किसी पक्षी को, किसी एनिमल्स को, किसी ऑर्गेनिजम्स को उसके नेटिव एनवायरमेंट में ही, उसके प्राकृतिक पर्यावरण में ही संरक्षित किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, इन सीटू प्रोटेक्शन। एक्स सीटू प्रोटेक्शन क्या होता है, उसको वहां ना संरक्षित करके कहीं और ले जाके संरक्षित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्स सीटू प्रोटेक्शन। इन सीटू प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल होते हैं राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों क्या है, इन सीटू प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल है। एक्स सीटू में आता है, एक्स सीटू में इसको पर स्थान, हिंदी में इसको स्वस्थान कहते हैं, जो जहां जन्म लिया है वहीं संरक्षित कर दिया जाए, और एक्स सीटू को क्या कहते हैं, पर स्थान कहते हैं, जहां जन्म लिया वहां ना ला करके कहीं और प्रोटेक्ट किया जाए। संजय गांधी जैविक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, जू, सीड्स बैंक, ये सब किसके उदाहरण है, एक्स सीटू के उदाहरण है। और ये जो इनिशिएटिव अप्रोच है ये किसके लिए है, वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण संस्थान का प्रस्ताव रखा है, यह इंपॉर्टेंट है। तो यह कहां होगा, राजस्थान में होगा। दिस इज वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, समझे। तो इसमें और आइए देखते हैं, वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण प्रतिष्ठान एक चिड़ियाघर है जिसे राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है। क्या है यह, एक जू है जिसको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया था, प्रपोज किया था, इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थापित करने की तैयारी है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है जिसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, निधि आपके निकट किस संस्था की का आउटरीच कार्यक्रम है? निधि आपके निकट इज एन आउटरीच प्रोग्राम ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूट? तो राइट आंसर इज सी, ईपीएफओ।
किसका प्रोग्राम है? यह ईपीएफओ का प्रोग्राम है। अब प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक संशोधित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिला में एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, आप समझेंगे, जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं, प्राइवेट इंप्लॉय भी, उनका एक अमाउंट, एक छोटा अमाउंट पर मंथ गवर्नमेंट क्या करती है, जो डिपार्टमेंट होता है, जो या फिर प्राइवेट कंपनियां होती है, वो क्या करती है, उसको डिडक्ट करती है, और वह पैसा जमा होता है प्रोविडेंट फंड में, और जितना अमाउंट डिडक्ट होता है उतना ही पैसा गवर्नमेंट उसमें डालती है, और फिर वह मींस फ्यूचर में, भविष्य में जब वह रिटायर होता है, अब तो ऐसा हो गया है जो भविष्य में अगर वह जॉब को क्विट करता है या प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वह पैसे को विड्रॉ कर सकता है। यह भविष्य के लिए है, भविष्य निधि कहलाता है। इससे में मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो ईपीएफ प्रोविडेंट फंड के पैसे कटते हैं, वह पैसा भारत के किस निधि में, किस फंड में जमा होता है? मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं यहां पे आपको ऑप्शन छोड़ के जा रहा हूं, संचित निधि में, कंटेंजेंसी फंड में, पब्लिक अकाउंट में, सार्वजनिक खाता में, दोनों में, दोनों में से किसी में नहीं। चार ऑप्शन आपके पास है। रिपीट, प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट होता है, जो भारत सरकार अपने इंप्लाई से काटती है, वह पैसा किस फंड में डिपॉजिट होता है? संचित निधि में, कंटेंजेंसी फंड में, पब्लिक अकाउंट में, सार्वजनिक खाता में, दोनों में, दोनों में से किसी में नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने यूरोप के ECE 22.06 मानक को पूरा करने वाला पहला मेड इन इंडिया हेलमेट लॉन्च किया है? Which company has launched the first made in India helmet to meet Europe ECE 22.06 standard? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज स्टीलवर्ड। बहुत लोगों के पास यह हेलमेट होगा, हेलमेट लगा के चलना है, या मुकुट जो है, या मुकुट जैसे पहले मुकुट राजा महाराजा लगाते थे, तो उसके पीछे लॉजिक था, जो तलवार चलाएगा तो मुकुट से क्या होगा, सर न कटेगा। वैसे ही यह मुकुट जो है आपका, या जो हेलमेट है, बिना हेलमेट का बाइक चलाते हैं तो फिर आपके लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। और अभी भी देख रहे हैं सबसे अधिक एक्सीडेंटल केस पटना का ही मैंने देखा न्यूज में, वह का किससे हो रहा है, बाइक से हो रहा है, बाइक रश ड्राइविंग से। अगर रश ड्राइविंग करते भी है, करना नहीं चाहिए पहले तो, मैं कभी अलाउ नहीं कर रहा हूं, लेकिन करते भी है तो आप हेलमेट जरूर पहने ताकि सुरक्षित रहे। पैर हाथ टूटेगा तो कोई बात नहीं, सर तो बचेगा। और जब भी हेलमेट पहने आप अच्छी कंपनी का पहने, सरक्ष आप हेलमेट ना पहने, क्योंकि वह हेलमेट और हानिकारक होता है। और किस कंपनी का पहने, स्टील वर्ल्ड कंपनी का पहने, क्योंकि इस कंपनी का हेलमेट जो है वह स्टैंडर्ड पैरामीटर में फिट आया है, जो आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, 22.06 मानक को पूरा करने वाला जो यूरोपियन पैरामीटर है, और उस हेलमेट को लॉन्च कहां किया गया है, इंडिया में किया गया है, किस कंपनी के द्वारा, स्टील वर्ल्ड कंपनी के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अधिक एक्सीडेंटल केस जो होते हैं उसमें डेथ जो होती है वो बाइक से होती है, और उस सेंस में यह है, तो इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, यह इंपॉर्टेंट होगा। स्टील वर्ल्ड ने पहली बार ईसी 22.06 परमाणु, यूरोपीय परमाणु को पूरा करने के लिए इग्नाइट IGN7 नाम से एक नया हेलमेट लॉन्च किया है। यह ट्रिपल होमोलोगेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हेलमेट भी है, क्योंकि यह अमेरिकी बाजार के लिए DOT FMVSS NOAID 218 और भारत के BIS सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। अगर एक लाइन में बोला जाए, इतना टेक्निकल वर्ड पे अगर नहीं जाना चाहते, जरूरत भी नहीं है, आप यह क्या है, आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हेलमेट है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को के अकॉर्डिंग है, इसलिए ऐसे हेलमेट को भी आप क्या करें, यूज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? UNSC की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल और सामूहिक विनाश के हथियार के कार्यक्रमों को समर्थन करने के लिए अधिक क्रिप्टो करेंसी संपत्ति चुराई है? एज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट, UNSC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट, व्हिच कंट्री स्टॉल मोर क्रिप्टो करेंसी एसेट्स टू सपोर्ट इट्स बैलिस्टिक मिसाइल एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, नॉर्थ कोरिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है। आप जो भी घटिया काम हो, जो भी गलत काम हो, जो भी इलीगल काम हो, इंटरनेशनल लेवल पे अगर नाम किसी का हो, तो दो तीन कंट्री अगर हो एक साथ तो कंफ्यूजन होगा। अगर यह कंट्री सेपरेट सेपरेट हो तो कोई भी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। इसमें एक कंट्री आता है नॉर्थ कोरिया, जितने भी
उल्टा सीधा काम होगा यही होगा। दूसरा, अगर उत्तर कोरिया ना हो, ऑप्शन हो पाकिस्तान, तो आप आंख मूंद के पाकिस्तान पे जाइए। तीसरा, पाकिस्तान के जगह उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ना हो और हो ईरान, तो आप कहां जाइए? ईरान की ओर जाइए। जो भी गलत सलत उल्टा सीधा काम करना होता है वह कौन करता है? वह यही देश करते हैं, जो कि अलोकतांत्रिक और अनडेमोक्रेटिक और अन ह्यूमेनिज्म वर्क है। तो यह इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर अमेरिका। तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूज है, जस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 12, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के तीसरे संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? इंपॉर्टेंट है, व्हिच सिटी हैज इज द होस्ट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? गुवाहाटी, शिमला, गुलमर्ग और लेह। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ऑब्वियस सी बात है, विंटर गेम है यह, तो कंफ्यूजन होगा आपको शिमला में, गुलमर्ग में और लेह में, गुवाहाटी में जनरली नहीं होगा। तो इसका सही आंसर तो है गुलमर्ग, और इसको जानना चाहिए आपको, जो होस्ट ऑफ द थर्ड एडिशन, या कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन मीन तीसरे बार यह आयोजन हुआ है। कहां हुआ है? गुलमर्ग में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है यह न्यूज, यह आपको जानना चाहिए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हुआ है। देश भर से 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न शीतकालीन खेल विधाओं में भाग लेंगे। खेल इंडिया शीतकालीन खेलों का अब तक आयोजित दोनों पिछले संस्करण में जम्मू कश्मीर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपर कौन रहा है? जम्मू कश्मीर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको जानना चाहिए। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यूपीआई के माध्यम से सीमा पार लेन देन सुविधा करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? व्हिच इज द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज थ्रू यूपीआई? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर आता है फोन पे। फोन पे आप लोग यूज करते होंगे, तो कौन सी कंपनी है? फोन पे है, जो यूपीआई के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर क्या करेगा? यह एक्सचेंज करेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है यह, इस न्यूज को आप वीवीआई न्यूज की कैटेगरी में रख सकते हैं। फोन पे ने हाल ही में विदेश में भुगतान सक्षम करने वाली पहली भारतीय फिनटेक कंपनी बन गई है। यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लेन देन की अनुमति देता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको वीवीआई न्यूज की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप भारत का सबसे सुलभ ऐप रहा है? Which app has been India's most accessible app for person with disabilities in a recent report? Question number 14 का सही आंसर आता है WhatsApp। बहुत important है यह भी VVIA News की category में है। आप यहाँ पे confuse करेंगे Paytm, Bheem, लेकिन हमारा सही उत्तर क्या है? WhatsApp है। चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा और explanation क्या कहता है। Digital ecosystem को विकलांग के अनुकूल बनाना शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में व्हाट्सएप को विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप, सबसे कंफर्टेबल ऐप अनाउंस किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? किस संस्था ने ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया है? व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 23? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आता है सी, विश्व आर्थिक मंच। इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रिपोर्ट होता है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, उस रिपोर्ट में रैंकिंग का क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बीपीएससी में अभी जो है देखेंगे, देखने का आपको मिलेगा। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें और आते हैं डिटेल्स में, क्या है इंफॉर्मेशन? विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में एक्सचेंजर के सहयोग से ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया। किसके सहयोग से, किसके कॉपरेशन से? एक्सचेंजर, यह भी याद रखेगा। इसमें चेतावनी दी गई है कि साइबर हमलों से आने वाले 2 वर्षों में अभूतपूर्व खतरा पैदा होने की आशंका है। रिपोर्ट मुख्य रूप से वर्तमान में भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण विनाशकारी साइबर घटनाओं की भी भविष्यवाणी करती है। मीन्स साइबर जो स्पेस वार है, साइबर जो स्पेस है, वह आने वाले दिनों में सबसे अधिक चैलेंजिंग और थ्रेटन होगा, इस रिपोर्ट में यही कहा गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? क्वेश्चन नंबर 16, अल्ट्रासेट इज द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्रीज? तो 16 का सही आंसर आता है, इस तरह का कुछ नया डेवलपमेंट हो, कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो, कुछ साइंस टेक का अपने आप में यूनिक और प्रथम हो, तो उसमें कौन आता है सबसे पहले हमारे मन में? इजराइल। और यहीं पे एक देश है ईरान। जब कुछ गलत हो तो उसमें मैक्सिमम टाइम कौन होता है? ईरान। ये डिफरेंस है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ माइंडसेट, लेवल ऑफ टेक्निकल स्टेटस में। तो इजराइल जो है, इजराइल में यह टेलीस्कोप डेवलप हुआ है। इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन अल्ट्रासेट नासा और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच साझेदारी के माध्यम 2026 की शुरुआत में भू स्थैतिक कक्षा को हम लोग कहते हैं क्या, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किसके सहयोग से? नासा के सहयोग से, इजराइल के